नमस्ते दोस्त, तुम कैसे हो? टोयोटा आखिरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय खुलासा के महीनों बाद भारत में अपनी प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी लॉन्च करेगी। फॉर्चुनर एक दशक से अधिक समय से भारत में सबसे लोकप्रिय प्रीमियम 7 सीट एसयूवी रही है। हालांकि यह कुछ आधुनिक उपकरण पर बाहर याद किया यह सबसे गुण है कि अपनी श्रेणी की एक एसयूवी चाहिए पर बक्से टिक करता है। 2021 फॉर्चुनर फेसलिफ्ट पिछले साल थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुरू किया गया था, जैसा कि हमारी पिछली रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है। फॉर्चुनर को 2 ट्रिम स्टैंडर्ड और लीजेंड में उपलब्ध कराया गया है। बाद एसयूवी का एक अधिक प्रीमियम संस्करण है जिसे हाल ही में बेंगलोर की सड़कों पर देखा गया था। टोयोटा 9 वेरिएंट में फॉर्चुनर फेसलिफ्ट की पेशकश करेगी जिसमें लीजेंड का एक संस्करण शामिल है जबकि बाकी मानक ट्रिम के हैं। जब इसके बाहरी डिजाइन की बात आती है, लीजेंड नियमित फॉर्चुनर फेसलिफ्ट की तुलना में एक शैपर दिखने वाले मॉडल के रूप में आता है। बाहरी स्टाइल फॉर्चुनर फेसलिफ्ट चांदी आवेशन के साथ अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक बड़ा सामने जंगला दिखावा। यह एक बड़ा चांदी स्किड प्लेट, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और संशोधित कोहरे लैंप आवाज के साथ एक संशोधित सामने बम्पर हो जाता है। यह नए डिजाइन 18 इंच अलॉय पहियों पर सवारी करता है। दूसरी ओर लेजेंडर एक छोटे बेहोश बाहर जंगला प्राप्त करता है और LED DRLS और बदल दिया सामने बम्पर जो यह एक एजियर देखो देता है के साथ एक तेज द्वि प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिखावा। टोयोटा लोगो रॉ लेजेंडर में सामान्य से थोड़ा कम रखा गया है। यह भी मानक मॉडल की तुलना में एक छोटे स्किड प्लेट और अलग कोहरे दीपक आवाज के साथ एक बड़ा हवा का सेवन प्राप्त करता है। इसके अलावा बड़े 20 इंच अलॉय पहियों पर लेजेंडर रोल नियमित फॉर्चुनर भी अनुक्रमिक LED टेल लाइट्स पर याद करता है जो इसके अधिक प्रीमियम संस्करण पर पेश किए जाते हैं। लीजेंडर भी मेटेलिक ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल टोन कलर स्कीम के साथ आता है जिसे रेगुलर वेरियंट पर मिस दिया जाता है। इंटीरियर और फीचर्स, इसके अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो रेगुलर फॉर्चुनर फेसलिफ्ट 2 इंटीरियर कलर ऑप्शन के साथ आता है, ब्लैक और चामोइस, जबकि लीजेंडर को ब्लैक और मैरून के साथ एकांत ड्यूल टोन थीम में पेश किया जाता है। प्रीमियम वर्जन होने के नाते लीजेंडर मानक फॉर्चुनर की तुलना में अधिक सुविधा समृद्ध है। इसमें ज्यादा प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, बड़ा 9.0 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और बहुत कुछ शामिल है। स्टैंडर्ड मॉडल में 8.0 इंच की यूनिट है जिसमें अब एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कापले और टोयोटा की इन कार कनेक्टिविटी टेक्टी कनेक्ट की सुविधा है। पावरट्रेन ट्रांसमिशन ऑप्शंस, जहां तक पावरट्रेन की बात है, इसे यूनिट्स के एक ही सेट के साथ पेश किया गया है। एक 2.7 लीटर पेट्रोल यूनिट और 2.8 लीटर यूनिट टर्बो डीजल इंजन, पूर्व 166 BHP और पीक टॉर्क के 245 Nm बाहर धक्का, बाद में आउटपुट में टक्कर मिलती है और अब 204 BHP और 500 Nm पीक टॉर्क बाहर निकालता है। मानक ट्रिम दोनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया जाता है जबकि लीजेंडर केवल डीजल इकाई के साथ पेश किया जाता है। एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है जबकि पेट्रोल यूनिट को 5 स्पीड मैनुअल मिलता है और डीजल यूनिट को ऑप्शन के तौर पर 6 स्पीड मैनुअल मिलता है। केवल मानक ट्रिम पर एक विकल्प के रूप में डीजल इकाई पर कम दूरी के हस्तांतरण मामले के साथ 4-4 ड्राइव ट्रेन की पेशकश की जाती है। यह फोर्ड एंडेवर और MG ग्लोस्टर जैसी अन्य प्रीमियम एसयूवी को प्रतिद्वंद्वी बनाता रहता है।